Yes, good afternoon everyone. So let's start. Today is our English class. Revise the thought. Who will tell the thought? Who will tell? Very good. Ready? Daily. That means you are taking milk daily. सब लेती हूँ अयाश, आपका कलर फेयर, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिल्क नहीं पीना, आपको भी मिल्क पीना है मैम। ये कल से हाफ क्लास स्टार्ट करेगा, ओके आयुष? यस। आपको पता आप स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो? क्योंकि आप मिल्क नहीं पीते हो। सो प्रॉमिस करो मैम से कि मैं कल से मिल्क पीऊंगा। ओके ग्रेट। So, let's start today's work. First concept, dictation. Second, A to N, जो हमने revise की लेनी है. Then picture of E and picture of M. E and M picture already done है. आज हम सिर्फ इसको revise करेंगे. Okay? So listen one thing more. मैम जब लेटर्स बोलेंगे, अब मैम पिक्चर के साथ लेटर नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब आपको सिर्फ लेटर रिकॉग्नाइज करने हैं। मैम नहीं बोलेंगे बी फॉर बॉल लिखो, नो, मैम बोलेंगे राइट डाउन लेटर बी, लेटर डी, लेटर के, ओके? रेडी? Yes. So let's start. One D D D. अब आपको मैम को क्लियरली सुनना है और कॉन्शियसली सुनना है, ओके? D नंबर वन D. नेक्स्ट नंबर टू I. नंबर टू आई, आप लेटर नहीं बोलेंगे क्योंकि आप बीच में फिर कुछ जो स्टूडेंट है वो पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं, इट वाज रॉन्ग। नंबर टू आई, आई, आई। नंबर थ्री के, के। नंबर थ्री के। If you will face problem, then ask. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो, then ask. Number four, M. M. Number four, M. Yes, M. Number five. F. Yes, yes, madam. Number five. F. Please mute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, M. 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 Number five. F. Number five, F. Number six, A. Number six, E. Yes. आपको थोड़ा सा consciously इसको
सुनना कि मैम ने कौन सा लेटर बोला। नंबर सेवन एच एच नंबर सेवन नंबर सेवन एच नंबर एट एल एल नंबर एट एल ओके आई एम रीडिंग वंस अगेन। एक बार आप टैली कर लीजिए कि सबके लेटर्स मेरे से मैच कर रहे हैं या नहीं। नंबर वन डी नंबर वन डी नंबर टू आई नंबर टू आई नंबर थ्री के नंबर थ्री के नंबर फोर एम नंबर फोर एम नंबर फाइव एफ नंबर फाइव एफ नंबर सिक्स ए लेटर ए नंबर सिक्स ए नंबर सेवन एच नंबर सेवन लेटर एच नंबर एट लेटर एल एल डन इट। यस बेटा इफ यू हैव डन इट एंड ओनली शो मी थंब। जब आपका हो जाएगा तो एक थंब दिखा दो मैम। डन ग्रेट वेरी नाइस ग्रेट वेरी नाइस। ओके सो मूव ऑन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ए टू एन। बेटा ए टू एन बहुत बार हो चुकी है लेकिन अब आपको जब ए टू एन करनी है तो आपको ये देखना है कि आपकी फॉर्मेशन कैसी है। अब ऐसे ही नहीं कि कहीं भी हम लेटर लिखते जा रहे हैं। नो आपको कॉन्शियस होना है विदाउट डॉट कॉन्शियस होना है और फॉर्मेशन कैसे करनी है मतलब साथ साथ में ध्यान देना है। आपकी मम्मा आपको गाइड कर सकती है का वर्क आप खुद करो मम्मा इरेज नहीं करके देंगे। डियर पेरेंट्स इनको अभी डालिए ये खुद से इरेज करें। एग्जाम में मैम ने इरेज नहीं करना था खुद सीखना है ये उनको सिखाओ ये तो स्टार्ट फ्रॉम ए फॉर एप्पल। देखो मैम ने आपने चेक करना है कि आपने जो ए लिखी है वो बॉटम लाइन और टॉप लाइन से प्रॉपर टच कर रही है। यस डियर पेरेंट्स अदरवाइज आप सिलेबस बुकलेट से टैली कर सकते हो अगर आपको किसी लेटर में प्रॉब्लम है तो। आफ्टर ए आपने कुछ यहाँ ब्लैंक नहीं छोड़ना सबसे बॉटम में फिर टॉप टू बॉटम लाइंस में इसको टच करना है देन जो ऊपर वाली लाइन है वो स्मॉल होगी और नीचे वाली होली हमें कोई जल्दी नहीं है। अब हम डेली इसको स्लोली करेंगे साथ साथ प्रैक्टिस में लो इसको। डियर पेरेंट्स बात का ध्यान रखें कि इनके लेटर सब साथ साथ में चाहे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो करेक्ट वे में लिखवाए जाए प्रैक्टिस हो जाएगी डेली करेक्ट वे में करवा कर। ऊपर वाला तो स्मॉल है नीचे वाला थोड़ा ऑटोमेटिकली
मेक श्योर कि आपके लेटर्स लाइन से टच करते हो, मेक श्योर। नाउ अगेन ए बी सी डी, अगेन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड टच द बॉटम लाइन, मेक श्योर अगेन आपने कहां यहां पे लाइंस नहीं निकाली। सिंपल डी, सिंपल। वेरी नाइस अयाश, पुलकित, गुरेकम, ओके ग्रेट। साहिर जोत, गुरसीरत, किरण, ओके फाइन। सो नेक्स्ट लाइन आपको रिकॉग्नाइज है ना कि डी के बाद हमने नेक्स्ट बॉक्स में नहीं लिखा, हमने लिख दिया नेक्स्ट लाइन में ए बी सी डी। अगेन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड टच द बॉटम लाइन, मेक श्योर कि आपकी जो ई की लाइंस हैं वो बिल्कुल स्वीपिंग होंगी और लाइंस के ऊपर टच करेंगी। सेंट्रल सेंट्रल लाइन स्मॉल, टॉप और बॉटम लिटिल बिट बिग, इससे तो बड़ी होगी, इससे आप सिंपल ई नहीं लिखोगे। डोंट राइट सिंपल ई, जैसी लाइनें बना दी इंफॉर्मेशन, योर फॉर्मेशन जो सेंटर की लाइन है वो हमारे स्मॉल रहेगी। यस कृतिका स्टार्ट, आपको थोड़ी स्पीड नाउ ए बी सी टाइम बेटा म्यूट योर माइक। गुरकिरण म्यूट योर माइक बेटा। ए बी सी डी E then F, again start from the top and touch the bottom line, make sweeping line on the lines, इसमें भी जो middle line है वो हमारी small रहेगी, जो top line है वो थोड़ी सी sweeping line इससे big रहेगी। ये मैं साथ इसलिए बोल के बता रही हूँ अगर किसी parents को वहां से समझ में नहीं आता आप यहाँ से इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये ऐसे ही लिखवाने हैं आपको, इसलिए मैं आज स्लो हूँ ताकि आप ये फॉर्मेशन वाले जो पेज है इसको एज इट इज थोड़ा सा टाइम लेके करवा लीजिए। द नेक्स्ट ए बी सी डी ई एफ जी, अगेन start from the top, make a curve and upward touch center line, make small sweeping line and downward touch the bottom line. G for grip, simple G hai, koi problem nahi hai ispe, very simple formation. Ma'am isko hum bolo khud erase kare, किरण बेटा ये आपको खुद रेस करना, मम्मा नहीं करके देंगे। अगेन रिपीट ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखो मैम लेटर लिख रहे हैं तो मैम हर लेटर को लाइन के साथ टच कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है और मैम देख रहे हैं कि कौन कौन है जो प्रॉपर नहीं लिख रहा, मैम को सब दिखाई देते हैं कैमरा में, ये देखिए सब सब दिख रहे हैं मैम को। यस यस वेरी नाइस।
मैम ने तो चेक कर लेना है, मैम ने तो चेक करना ही करना है बेबी। अगेन अगेन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, दैट्स द बॉटम लाइन। ओनली थ्री लाइंस यू हैव टू यूज, आपको सिर्फ थ्री लाइंस ही यूज करनी है। देन सीमिंग लाइन टॉप में और बॉटम में कॉल्ड आई आई। क्योंकि अगर आप एडिट करके पेज लिंक की थी तो आपकी जो डिक्टेशन है वो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगी कि मैंने कौन सा लेटर बोला है। ओके ग्रेट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। अगेन मेक स्लिपिंग लाइन on the top and make standing line को slowly सब round में अपने center तक turn करना। ये मैंने round दिया है, मैंने इसको ऐसे नहीं दी, curve नहीं दी, ऐसे वाली slant वाली curve नहीं है बेटा, ये round में है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। J A B C D F G H I J K। मेन वन स्टैंडिंग लाइन, सेंटर की लाइन से आपने अपवर्ड टॉप लाइन में तो स्लैंटिंग लाइन लेनी है, वहीं से आपने डाउन को स्लैंटिंग लाइन। आपको स्लैंटिंग स्लिपिंग स्टैंडिंग सब लाइन आती है आई नो, बट आपको ये देखना है कि K की लाइन बहुत ज्यादा वाइड नहीं होनी चाहिए, इतनी सी होनी चाहिए कि आपकी जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर दिखाई दे। आप सेंटर से स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन ठीक हो जाएगी। अगेन स्टार्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। वेरी इजी लेटर स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग ओनली L L Now again I'm repeating A B C D E F G H I J K L M। मेक वन स्टैंडिंग लाइन, मेक वन मोर स्टैंडिंग लाइन, क्योंकि हमने एक्स पर ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी। देन सेंटर की जो लाइन है उसमें स्मॉल सा डॉट लगा देंगे ताकि स्लैंटिंग लाइन कहां ज्वाइन करती है सेंटर पे। इसको हमने नीचे वाली बॉटम लाइन तक नहीं लेके आना, इसको हमने मिडिल लाइन तक रखना है। एम एम अगेन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। अगेन मेकिंग टू स्टैंडिंग लाइन देन जॉइन विद वन स्टैंडिंग लाइन सिंपल, डू इट फास्ट क्योंकि ये लास्ट लेटर्स ही हैं। ओके गुरकिरण वेरी नाइस। मैडम गुरसीरत को इतनी डॉट्स डाल के दे रहे हो आप, अब सोचो वो कहाँ स्टैंड कर रही है। इसीलिए मैं आपको बार बार पूछती हूँ कि आप इतने दिन इसको लीव पे क्यों रखते हो। अयान शो मी योर शो। ओके ए टू एन मैम, ए टू एन
ओके डिफाइंड साइड शो मी मैम पुलकित के एम में स्टैंडिंग लाइंस नहीं है स्लैंटिंग दिख रही है और जे का मिडल तक टच नहीं है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए साहेब जो एक पेन चेक करवाइए बेबी ए टू एन मैम एम एम देखिए एम की स्टैंडिंग लाइन कहीं भी नहीं है स्लांट में है वो इसको प्रॉपर करवाइए ओके थोड़ा के में प्रॉब्लम है अदरवाइज ओके फाइन किरण शो मी योर मार्क बेटा ओके मैम जैसी आज फॉर्मेशन पे आपने दिया आपको ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा तब इनकी फॉर्मेशन स्टेबल हो जाएगी ओके 10 मिनट्स में अगर ओवर होती है क्लास तो आप सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिए यस आई हैव सीन बेटा मैंने चेक कर लिया कृतिका यस मैम कृतिका बेटा जितना दिया उतना ही शो करो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे ओके ओके फाइन फाइन तो पिक्चर्स की तो वैसे ही देनी बहुत प्रैक्टिस है आपकी बेटा मैडम के साथ ड्रॉ करो मैं इसमें आपने सर्कल नहीं बनाना होगी इसमें आपने सर्कल को थोड़ा सा लॉन्ग कर देना तो ये आपका एग ड्रॉ है बिल्कुल राउंड नहीं होगा एग राउंड नहीं होता लेसन इसमें आप कलर येलो बाद में फिल करोगे अभी पहले आप सीख लो कि मैट कैसे बनाना है ठीक है मुझे थोड़ा और आपसे पूछना है ठीक है तो मैट आज इंग्लिश की नोटबुक है कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इस पे लुक एट दिस मेन वन स्विमिंग लाइन थोड़ी सी आपको लॉन्ग रखनी है लाइन के ऊपर आप स्विमिंग लाइन आप अपनी नोटबुक के हिसाब से लोगे मैम अपने बोर्ड के हिसाब से लोगे ठीक है तो मेन रेक्टेंगल आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है स्लिपिंग लाइन इसकी लॉन्ग होगी और जो स्टैंडिंग लाइन है वो इसकी शॉर्ट होगी देन मेक वन टू थ्री फोर फाइव एनी लाइन आप जितनी लाइन से चाहो उतनी लगा सकते हो ये सिर्फ इसकी डिजाइनिंग है बेटा अजी यार आप ऐसे भी डिजाइन बना सकते हो आपके फेस पे एक्चुअली बहुत बार हो चुका है ओके तो अब आप फटाफट मैम को ना आपने पिक्चर नहीं बोलनी ओके सिर्फ लेटर बोलना है कि मैम ने आपको कौन सा लेटर शो किया है इसमें कलरिंग आप बाद में करोगे आई नो कि ये आपको आती है पिक्चर्स आई नो सो गुरेकम गुरेकम अनम्यूट योरसेल्फ बेटा टेल मी द लेटर लेटर बताना है पिक्चर नहीं बतानी स्पीक लाउडली स्पीक लाउडली आपको ऐसे बोलने की हैबिट आनी है बेटा
ओनली एफ, एफ फोर नहीं बोलना, ओनली एफ बोलना इसको, क्योंकि मैम ने पिक्चर तो दी नहीं। एफ एफ ओनली एफ, ओनली एफ। यस आयांश, 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 लेटर मैम आपको लेटर शो कर रहे हैं, कौन सा लेटर है ये? बेटा मैम आपको यही सिखा रहे हैं कि आपने, मैम ने आपको सिर्फ लेटर दिखाया, तो आपको खाली लेटर बोलना है, एन, पिक्चर नहीं बोलनी। कौन सा? कृतिका आर यू योर सेल्फ? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ वेरी गुड। जब मैम ये दिखाएंगे तो आपको सिर्फ सी बोलना है, अगर मैम ऑब्जेक्ट दिखाएंगे तो आपको पिक्चर का नेम बोलना है। ओके okay? ये रिवाइज करेंगे हम। सरजोत, सरजोत टेल मी, वेरी नाइस। यस किरण, किरण गुरकिरण बेटा टेल मी द लेटर, वेरी नाइस। के पुलकित, पुलकित टेल मी फास्ट बेटा। जी फोर, फोर तो कुछ भी नहीं है, ओनली जी है। लेटर जी, यस गुरकीरत, गुरसीरत विच लेटर, स्पीक लाउडली, बताइए कौन सा लेटर है? ऐसे बोलते हैं मैम, इसका बिहेवियर थोड़ा सा ना कंट्रोल कीजिए।